इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखा है कि हजरत इब्राहिम जो पैगंबर इस्लाम के फर्जंद थे उनकी कब्र के ऊपर एक सफेद रंग का गुंबद बना हुआ था, सफेद रंग का गुंबद। और उसने ये भी लिखा है अपनी किताब में कि खुद इमाम हसन की जो कब्र थी उस पर भी एक बहुत बड़ा सा गुंबद था, ये जो राइट साइड पर जो कब्र, ये जो बहुत बड़ा सफेद रंग का गुंबद जो आपको नजर आ रहा है, इतना बड़ा एक गुंबद यहाँ पर बना हुआ था। और जहर के चारों आइमा बाकी और वो जो कब्रें आपके सामने से पहले आपने देखी थी वो इस गुंबद के नीचे ही थी। ये दोनों को अगर आप मिलाएं कि ये जो कब्रें अब इस वक्त आसमान तले आ गई हैं और इनके ऊपर धूप वगैरह पड़ती है, इनके ऊपर बाकायदा इस तरह से गुंबद बना हुआ था और वो शायद जन्नतुल बकी का सबसे बड़ा गुंबद था। उसने कहा कि बहुत बड़ा सा गुंबद और उसकी तफसील भी इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखी। और इसी तरह से यानी बाकायदा इमाम हसन की उसके ऊपर बाकायदा गुंबद, इमाम हसन का तो कहा जाता है लेकिन क्योंकि चारों आइमा बाकी वहीं पर थे, शहजादी की कब्र या हजरत फातिमा बिनत असद की या पैगंबर इस्लाम के चचा, ये एक ही जगह पर थी तो इनके ऊपर ये गुंबद बना हुआ था। और इसके ऊपर बाकायदा एक जरी भी लगी हुई थी जो बाद में उखाड़ी गई, जो जरी की भी तस्वीर, ये वो जरी जो यहाँ पर लगी हुई थी और बाद में जो है वो उखाड़ी गई। तो बहरहाल उसके बाद अब ये जिस हालत में इन कब्रें आसमान तले इनके ऊपर धूप पड़ती है और एक अजीब वीरानी का सा समा जो है वो वहां पर रहता है और दिल खून के आंसू होता है। इसके अलावा सिर्फ इन्हीं के अंदर बात नहीं है बल्कि इब्ने जुबैर ने जो सातवीं सदी हिजरी के अंदर लिखा गया सफरनामा उसमें बहुत सारे गुंबदों का भी तस्करा किया है। और इब्ने जुबैर ने अपने सफरनामे में बैतुल अहजान का तस्करा किया और कहा कि छोटा सा घर शहजादी का जन्नतुल बकी के अंदर ही था और कहा है कि उसके आसार हजरत इब्राहिम फरजंदे रसूल की कब्र के कहीं आसपास थे जहां की शहजादी रहा करती थी। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि इब्ने जुबैर का सफरनामा जो था सातवीं सदी हिजरी में और 150 साल बाद इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे के अंदर भी तमाम उन पर बनी हुई इमारतों का जो है वो तस्करा किया। हजरत इब्राहिम की कब्र के पास ही ये वाला घर था और उसने कहा है कि इसके अतराफ में वो तमाम इमारतें गुंबद जन्नतुल बकी के ऊपर बने हुए। और बाकायदा वहां पर जो है अफराद भी मुकर्रर किए गए थे जो पहरेदारी वगैरह के लिए। तो बहरहाल इन तमाम कुबूर के ऊपर गुंबदों का और कुब्बों का तस्करा और बाकायदा हजरत इब्राहिम फरजंदे पैगंबर की जो कब्र थी उसके अतराफ की जो स्ट्रक्चर थे उसमें एक दरवाजा सबके आगे जो है वो लगा हुआ था जिससे अंदाजा होता है कि बाद में घर से चीजें ढाई गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उनके स्ट्रक्चर जो बाद में भी रहे उसके बाद रफ्ता रफ्ता भी ढाई गई है बहुत सारी चीजें। और उसके बाद इब्ने जुबैर ने अपने सफरनामे में हजरत उस्मान की कब्र के ऊपर भी एक सफेद गुंबद का तस्करा किया। तो सिर्फ यही नहीं है बल्कि आम मुसलमानों का भी मसला है कि उनके तमाम मुसलमानों के लिए जो मुख्तलिफ काबिल एहतराम सहाबे कराम यहाँ पर मदफून हैं उनके कुबूर के ऊपर भी इस तरह से गुंबद और कुब्बे वगैरह बने हुए। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का आगाज हुआ वहां भी मसलक के पैरोकारों ने इन मजारात को जो है वो मुनदिम कर दिया और उनके निशानात मिटाने शुरू कर दिए और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी। अच्छा अगर हम ये बात फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए, दलाइल तो अभी आगे चलकर आप लोगों की खिदमत में पेश होंगे कि अगर ये सब चीजें हराम थी कब्रों के ऊपर गुंबद रखना, देखिए आज जब हम कब्रों को जो एहदाम जन्नतुल बकी है जो दलाइल वो लोग जिक्र करते हैं और हमारी जिम्मेदारी सिलसिले में क्या ये जिक्र करना है, वरना सारे चीजें जो है मतलब कब्रों पर जाना, तवस्सुल करना, उनकी तरफ रुक करके दुआ मांगना और उनको चूमना, कब्र के ऊपर सर रखना, औरतों का कब्रिस्तान जाना, बहुत सारे अलग अलग चीजें की जिन पर अलग अलग दर्द जो है वो हो सकते हैं। लेकिन ये कि आज क्योंकि सिर्फ हम एक ही बात की हत्या करेंगे इन्हेदाम और उन कब्रों के ऊपर जो मौजूद गुंबद थे और उनको जो गिराए गए थे उस पर हमारा फोकस हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आपकी बात ये मान लें कि ये तमाम निशानात मिटा देने चाहिए और कोई ऐसी चीज यहाँ पर बाकी नहीं रहनी चाहिए इमारतों की शक्ल में, जिस तरह से आपने रफ्ता रफ्ता भी इन तमाम चीजों को खत्म किया, तो फिर क्या वजह है कि मक्के के अंदर एक बाकायदा एक इस्लामिक म्यूजियम बनाया गया? यानी वहां से तो आप सारी चीजें खत्म कर रहे हैं, मक्के के अंदर बाकायदा एक इस्लामिक म्यूजियम और उसके अंदर वो तमाम चीजें
जो मतलब मुकाम इब्राहिम बाद में वो तब्दील कर देते, पीछा पिछले वाला मुकाम इब्राहिम यहाँ पर लोग रेगुलर विजिट के लिए भी आते हैं, जो आते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर दुआ भी मांग सकते हैं। तो क्या वजह है कि वहां तो आप ना इसको हाथ लगाने देते हैं ना चूमने देते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी आकर कर सकते हैं। तो इसको आपने किस दलील से प्रिजर्व किया हुआ? और सिर्फ यही नहीं बल्कि खाने काबा के जो पुराने दरवाजे थे वो भी इस म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं, यहाँ पे लोग आ सकते हैं, यहाँ पे भी खड़े होकर दुआएं मांग सकते हैं इनके वसीले से या इनके तबर्रुक हासिल करके इनसे। इसी तरीके से जो खाने काबा के जो और दरवाजे वगैरह हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। खाने काबा के दरवाजे की चाबी वो इस म्यूजियम के अंदर है, तो ये किस दलील से आपने यहाँ पर प्रिजर्व कर रखे हैं? जब हर चीज और आधार को आपने मिटाने का तहिया किया हो तो ये किस दलील से यहाँ पर है? इसी तरह से जो जमजम का कुआं है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर था जिससे वो डोल वगैरह खेत से पानी निकाला जाता था वो भी इस म्यूजियम के अंदर। तो बहरहाल ये तमाम चीजें फिर किस दलील से? ठीक है, वहाबियत का हमेशा से एक तरीकेकार है, उलमा फरमाते हैं उनका तरीकेकार है, इतना झूठ बोलो इतना झूठ बोलो इतना झूठ बोलो और किसी की ना सुनो, बस कहते चले जाओ। वहां हमको नजर भी आता है बकरी में जो अपराध खड़े हैं, आप कुछ भी कहते रहे वो ये कहता रहेगा शिर्क है बिदत है, और एक टेप रिकॉर्डर की तरह से वो चीज चलती रहेगी। वो किसी का ना आर्गुमेंट कोई सुनते हैं, ना उसकी कोई बात सुनते हैं, ना किसी की कोई दलील सुनते हैं, बस जब शिर्क 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 हराम हराम हराम। तो बहरहाल जब एक देखिए ये भी तरीकेकार है बाकायदा, एक तरीकेकार है कि जब तक ये मुसलसल अगर एक बात कही जाती 50 साल 100 साल मुसलसल एक बात कही जाए तो आखिर लोगों के दिमाग में बात आने लगती कहीं वाकई शिर्क तो नहीं, कहीं वाकई कुफर तो नहीं हो रहा। यही वजह है कि कितने इतना तवील प्रोपेगेंडा अगर किया जाए तो लोग मुतासर होने लगते। आपने देखा कि बहुत सारी बातें अलकायदा और फला ये अपनी जगह जो लोग इस किस्म की जो बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद से वो चीजें खड़ी की, उसका एक हब्बा बनाया, उनको खबरों के जरिए जिंदा रखा। तो बहुत सी चीजें प्रोपेगेंडे के जरिए तवील प्रोपेगेंडा उससे लोग मुतासिर होते हैं, खुद हमारे नौजवान मुतासिर होने लगे, यहाँ तक कि इस मौजू पर बात करने की अब जरूरत पेश आने लगी, इन बातों को दलाई से पेश किया जाए। खुद एक दफा मेरे ज़ियारत में बहुत ही मजहबी नौजवान मेरे साथ करबला के सफर पूरे रास्ते उनसे यही बात की होती रही और वो इस बात के कायल नहीं थे कि कब्रों पर जाकर दुआ क्यों मांगू, इमाम हुसैन के कब्र पर जाकर भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए बल्कि अल्लाह से मांगना चाहिए, वसीले वगैरह के भी कायल नहीं। तो आजकल के ये मखसूस प्रोपेगेंडा के बाद कहते जाओ शेर 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 हराम 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 के यहां तक के लोगों के दिमाग में ये आने लगे कहीं वाकई तो नहीं है ऐसा। तो ये अफकार अब आ रहे हैं, तो अब आपको चाहिए कि आप भी दलाइल से लेस हो जाएं और लोगों को फाइल करें, जैसे मैंने अभी कहा कि अजर रिसालत की यही अदायगी। अच्छा, इन लोगों ने कोई दलाइल को देखकर कोई नजरिया नहीं बनाया बल्कि खुद से एक इनाराफी नजरिया ईजाद किया है और उसके बाद दलाइल के सिलसिले में जालसाजी करने शुरू की। अच्छा, रसूल की बेसत से बहुत पहले बल्कि पैदाइश रसूल से पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अंबियाए मातलब के मजारात थे, उनके कबूर थी, पैगंबर तो आखिरी नबी है ना, उससे पहले पैगंबर से कितने अंबिया गुजर चुके हैं, ना सिर्फ ये कि हमेशा से उनके कब्रों पर साहिबान मौजूद हैं, उनके कब्रों पर इमारतें बनी हुई हैं बल्कि उनके कब्रों पर गुंबद भी बने हुए हैं। मतलब शूश या सूस भी इसको कहा जाता है, शूश दानियाल, ये हजरत दानियाल जो पैगंबर खुदा इनकी कब्र है, ये बहुत गूंज रही आवाज इसको थोड़ा कम करें, जो हजरत दानियाल की कब्र है वो यहाँ पर है फौजिस्तान जो है ईरान का, वहां पर जो है गुंबद और पूरी इमारत उसके ऊपर बनी हुई है और बाकायदा उसके ऊपर छत भी है, साइबान भी है, गुंबद भी बना हुआ है, कुब्बा भी बना हुआ है और ये हमेशा से चली आ रही है कब्र। इसी तरीके से इराक में हजरत सहले और हजरत हूद के मजारात हैं, वहां पर इराक में उनके ऊपर भी अगर आप देखें ये हजरत सहले और हजरत हूद की कब्रें जो पैगंबर है खुदा, इसके ऊपर छत भी है, साइबान भी है, ये तमाम चीजें। इसके अलावा हजरत यूनुस के भी वहां पर मजार आज की जो है मर्जे खलायत है। इसके अलावा अगर इसराइल में हम देखें तो हजरत इब्राहिम की जो कब्र है, हजरत इब्राहिम उसके ऊपर पूरी एक इमारत बनी हुई है, उसके ऊपर पूरा एक गुंबद जो है वो बना हुआ है और ये हमेशा से चली आ रही है इसके तमाम चीजें। इसके अलावा खुद इसराइल में हजरत इसहाक की कब्र भी जो मकबूजा उर्दन का इलाका है,
इसके अलावा ये हजरत इसहाक की कब्र, इसके अलावा ये जो कब्र है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र, और हजरत याकूब के साथ ही ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी कब्र। तो इनके जो अजसाद मुतहरा हजरत मूसा ने मिस्र से उनके जिस्मों को बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया और आज भी इनकी कब्रें मकबूजा उर्दन के इलाके के अंदर मौजूद। इन सब पर इमारतें हैं, इन सब पर गुंबद। और मक्के में हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा की और हजरत इस्माइल की बेटियों की कब्रें हिजरे इस्माइल के अंदर, जो गोल दीवार आपको नजर आ रही है, इस गोल दीवार में हजरत इस्माइल की कब्र है, हजरत हाजरा की कब्र है, और इसके अलावा हजरत इस्माइल की बेटियों की कब्रें इसके नीचे खाने काबा के सहन में। अगर ये सब हराम था और इनके पास खड़े होकर जो है वो नमाज पढ़नी जायज ना थी, तो फिर क्या वजह है कि उनकी कब्रों के का तवाफ भी किया जाता है, यानी खुद हिजरे इस्माइल तवाफ के अंदर शामिल, और जो हतीम का इलाका है जो कब्र से बिल्कुल समझे मुत्तसिल इलाका, वहीं पर खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं लोग, और बहुत इतना कंपटीशन होता है कि बाज़ औक़ात यहीं पर ही मिज़ाब रहमत है कि लोग इसमें दाखिल होते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, वरना लोग सवाब को हासिल करने कुचल के मर जाते हैं यहाँ। तो फिर क्या वजह है, किस दलील के साथ जब कब्रों के पास खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो हिजर इस्माइल के पास खड़े होकर नमाज को पढ़ना क्यों हराम नहीं? और अगर मसाजिद और उसके अंदर कब्रें जो हैं वो जायज नहीं है, तो ये खाने काबा का पूरी मस्जिद और हराम का पूरा सहन, जिसके अंदर कहा जाता है कि कुछ रिवायतों में 70 और बहुत समय तो कई 100 अंबिया के कुबूर तक का तस्कर है इसके नीचे, सहने का जो मस्जिद उल हराम का सहन है खाने काबा से मुस्तसिल। तो फिर यहाँ पर तमाम मुसलमान खड़े होकर क्यों नमाजें पढ़ते हैं? तो बहरहाल, तो पैगम्बर इस्लाम को आपने देखा कि पैगम्बर से पहले ही तमाम अंबिया मौजूद थे, इनकी कब्रों पर हमेशा से कुब्बे और गुंबद ये चले आ रहे हैं, लेकिन पैगम्बर ने कभी उन पर बनी हुई इमारतों को मिसमार नहीं करवाया, कोई हुक्म उन्होंने नहीं दिया, ना अपने किसी अथाब के जरिए हुक्म दिया, ना वहाँ पे जो उन इलाकों के अंदर अफराद रहते थे उनको हुक्म दिया कि जाओ और जाकर अंबिया के कुबूर पर जितनी भी इमारतें और जो गुंबद और कुब्बे बने हुए हैं सबको जाकर मिसमार कर दो। यानी कम से कम कुछ हदीसें तो ऐसी होती जिसमें पैगम्बर इस्लामी हुक्म देते थे कम से कम अंबिया के कुबूर पर तो ये शिर्क और बिदअत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और कम से कम यही पैगंबर कहते थे, चलिए अगर आप कहें दूसरे इलाकों के अंदर पैगंबर ने हुक्म नहीं दिया तो यहीं पर हिजर इस्माइल के पास ममानियत होनी चाहिए थी, यहाँ पर खड़े होकर कोई शख्स नमाज ना पढ़े, यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं हजरत इस्माइल हाजरा की, इन कब्रों के पास खड़े होकर नमाज जायज नहीं, कोई हदीस आप दिखा दीजिए। तो यह पैगंबर ये कर सकते थे कि इनके अजसाम जो है किसी जगह मुंतकिल करवा देते, जैसे कि हजरत मूसा ने इतने सारे अंबिया के अजसाम जो है मिस्र से जो है बैतुल मुकद्दस और मकबूजा उर्दन के इलाके में मुंतकिल करवाए कि भाई यहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती हैं, इनकी कब्रों के पास खड़े होकर नमाजें जायज नहीं, तो लिहाजा इनके जिस्मों को यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। पैगंबर ये कर सकते थे, नहीं किया। और सिर्फ बात सिर्फ नहीं तक नहीं रही, हजरत अय्यूब जो पैगंबर खुदा उनकी कब्र जो है बसरा में, ये आपको बड़ी सआदत हासिल हो रही है कि आप जो है अपने तमाम हजरत अय्यूब की बसरा में जो है कब्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इनकी जो इसराइल में कब्र है, इन सब के ऊपर भी आप देखेंगे इमारतें और गुंबद बने हुए हैं। हजरत यूशा बाकायदा जो हजरत आदम के बाद जो पैगंबर खुदा थे उर्दन में, उनकी कब्र है, और उस जमाने में लगता है कि लोगों के जिस्म बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे तो उनकी कब्रें भी जो है वो काफी तवील और लंबी है। उर्दन के इलाके में हजरत यूशा की कब्र है, इसके ऊपर भी आप देखेंगे पूरी इमारत जो है वो बनी हुई है, और किसी भी सहाबी ने किसी भी आयमाए अथार में से किसी ने अहले बैत में से किसी ने पैगंबर के अथाब बासफा में से कि उसके बाद हुकूमत इस्लामी जो है वो कहाँ कहाँ तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन बाद में किसी ने क्या करें अंबिया के इन मकबरों के ऊपर जो इमारतों को नहीं तोड़वाया, किसी जगह नहीं मिलता। ये हजरत हारून की जो कब्र है इसके ऊपर भी देखें कुब्बा और जो है इमारत जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम शाम में देखें तो हजरत हाबील की कब्र है, इनकी भी देखें कितनी तवील इनकी कब्र है हजरत हाबील। हजरत आदम जो पहले दुनिया में समझे इंसान थे उनकी औलाद की कब्रें, इसके ऊपर भी पूरी इमारत और कुब्बा और सब कुछ जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा हजरत मूसा की कब्र है, हजरत मूसा ये भी इसराइल में है,
और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कब्र उर्दन के अंदर है, उसके ऊपर भी पूरी इमारत वगैरह बनी हुई है। शाम में हजरत जकरिया की कब्र है, उसके ऊपर भी पूरे गुंबद कुब्बे और इमारतें जो बनी हुई हैं। फिर शामी में सहाबा में से हजरत बिलाल हबशी की कब्र है, वो भी पुख्ता जो है कब्र इस तरह से बनी हुई है, और ऊपर जो है बिल्डिंग और इमारत जो है वो भी मौजूद है इसके। यानी ना सिर्फ ये कि पैगंबर ने और दीगर आने वाले असहाब ने ना सिर्फ ये कि इन कब्रों को मुनहदिम नहीं करवाया, बल्कि मामला बरक्स हुआ, बल्कि उनकी तामीर और हिफाजत का काम जारी रहा। और इसलिए कि इन आसार से देखिए दीन की हिफाजत होती है। देखिए कहा जाता है, उलमा बयान करते हैं कि जो सन ईसवी है यह हजरत ईसा की पैदाइश से शुरू हुआ, आज 2012 चल रहा है। हजरत ईसा, हजरत मरियम, इंजील, हवारीन ईसा, बहुत सारे मुहक्किकीन के नजदीक इनका वजूद आज, यानी गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं, इनका वजूद एक अफसानवी तारीख बन चुका, क्योंकि ना इन लोगों की उन लोगों ने ना जाए विलादत को महफूज रखा है। हजरत ईसा कहाँ रहते थे उनके घर का कुछ नहीं पता, हजरत मरियम कहाँ रहा करती थी उनके घर का कुछ नहीं पता, बैतुल मुकद्दस के अलावा कौन सी जगह ऐसी थी कि जहां पर वो इबादत किया करती थी, कोई आसार उन लोगों ने महफूज ना रखे। अक्सर मुहक्किकीन तो अब हजरत ईसा के सूली दिए जाने के वाक़े को भी एक अदबी और लिटरेचर का हिस्सा समझते, जैसे कोई वाक़े हुआ ही नहीं। अगर ये निशानियां मौजूद होती, देखिए तमाम आसार उन लोगों ने भी मिटाए और आज उनके पैरोकार भी इसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा। देखिए अगर ये निशानियां मौजूद हो ना, तो आने वाली नस्लें जो है उन अपराध से वाबस्ता रहती। ये हकानियत का सबूत होती है कि अपराध मौजूद थे, एग्जिस्ट करते थे, ताकि लोग बाद में आने वाली नस्लें, आइंदा आने वाले अदवार और सदियों में उनकी उसमें शक की हालत में ना गिरफ्तार हो, जैसे आज लोग शक की हालत में गिरफ्तार हो गए। हजरत ईसा थे भी या नहीं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उनके मुहक्किकीन की बात कर रहा हूं। हजरत मरियम थे भी या नहीं, सूली देने का कोई वाकया अदबी है, कुछ तारीख का हिस्सा भी है या नहीं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं, यही वजह है कि आज हमने वाकया करबला को तमाम मजालिस और मातम के जरिए जो जिंदा रखा हुआ, इसकी भी वजह ये, जब हर जगह पर बातिल ने रोकने की कोशिश की। वरना आप खुद सोचिए कि रेगिस्तान या जंगल और बयाबान में जो वाकया करबला पेश आया था, कब का एक तारीखी अफसाना करार दे दिया जाता अगर हम उसको मजालिस और मातम के जरिए बरकरार ना रखते, कब का वो कहके खत्म कर देते। लेकिन हमने इस तरीकों से बाकी रखा। रसूल से मंसूब जो चीजें 1400 साल से पैगंबर की हकानियत का सबूत है। देखिए हजरत ईसा कितनी बड़ी ईसाई दुनिया है, लेकिन उन्होंने कोई चीज प्रिजर्व नहीं की, लेकिन वो के बातिल अकीदे के ऊपर थे, वो चीजें मिटाते चले गए, बात एक अफसानवी चीज समझी जाने लगी। लेकिन 1400 साल गुजर गए, पैगंबर का हमें पता है कहाँ पैदा हुए, पैगंबर का हमें पता है कौन सी गार में, मतलब गारे हिरा में कहाँ इबादत करते थे, गारे सौर के अंदर मुझे क्या वाकया पेश आया था, पैगंबर कहाँ पर नमाज पढ़ते थे, ये तमाम जगह मौजूद है। कहाँ सुपुर्द खाक हुए, उनके खानदान और घर वालों के कबूर जो है कहाँ कहाँ है, लेकिन अब खास वक्त के गुजरने के साथ साथ उन चीजों को मिटाया जा रहा है, ताकि आने वाली सदियों के अंदर इनके आसार बिल्कुल महा हो जाए। हजारों साल देखिए इस तरह से गुजरते भी अगर चले जाएं और चीजें महफूज रहे उनकी, तो उनके आसार से भी लोगों की हकानियत का जो है पता चलता है। लेकिन बातिल अपनी उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा करार देता है हमेशा से कि इन आसार को मिटा दिया जाए। यहूद नसारा ने भी देखिए खास साजिश के तहत इन आसार को महफूज नहीं किया, और आज भी उनके वही जरखरीज इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है और मुसलसल आसार को खत्म करते चले जा रहे हैं। वरना देखिए और जो औलिया हैं और सालहीन की कब्र दुनिया में हर जगह, ईरान में भी हैं, इराक में हैं, शाम में हैं, मिस्र में हैं, मराकश में हैं, यूनस में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, हर हर जगह पर कब्र के ऊपर इमारतें भी बनी हुई हैं, गुंबद भी बने हुए हैं, कुब्बे भी बने हुए हैं। अच्छा अगर आप मान भी लें कि सब चीजें हराम थी, तो फिर आप बताइए कि कब्र रसूल के ऊपर ये गुंबद खजरा ये क्यों अभी तक आपने बाकी रखा हुआ है। अगर आप कहें कि हमें लोगों का डर है कि अगर हम इस कुब्बे को भी अगर ढाएंगे तो लोग हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम फिर ये आपसे पूछेंगे कि आपने तकैये का नजरिया कब से अख्तियार कर लिया। आपके मजहब में तो तकैया करना हराम है, लोगों को खौफ की वजह से बहुत सी चीजें इस तरह की बर्दाश्त करना। और अगर ये तकैया आपके यहाँ जायज था, तो ये तकैया आपने बकी की कब्रें गिराने में क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो देखिए अगर ये जो कहा जाता है ना कि
पांच सात मिनट के बाद गुफ्तगू करने के बाद फिर आपको थोड़ा वक्फा दे देंगे कि जो अगर आप ये कहें कि भाई कब्रों के ऊपर इमारत नहीं होनी चाहिए, खुला होना चाहिए, तो रसूल अल्लाह को उनके हुजरे में क्यों दफन किया गया? क्या रसूल अल्लाह जिस कमरे में अपने हुजरे में दफन हुए थे उसकी छत नहीं थी? उसकी छत भी थी। पैगंबर इस्लाम जिसके अंदर मदफून है, इसकी छत भी थी, इसकी दीवारें भी थी, इसके ऊपर इमारत भी बनी हुई। पैगंबर उसी इमारत के नीचे दफन, और तो उसी हुजरे में वफात के बाद पैगंबर इस्लाम की बिल्कुल कब्र के साथ हजरत आयशा ने 50 साल गुजारे। 50 साल अगर उस कब्र के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना किसी भी कब्र के साथ ममनू है, तो हजरत आयशा की नमाजों का क्या हुक्म? आप बताइए, हजरत आयशा जिस गुजरे के अंदर मौजूद थी वहीं पर पैगंबर इस्लाम की कब्र, और गुजरे उस जमाने में छोटे छोटे होते थे, कब्र के बिल्कुल करीब बैठकर नमाजें पढ़ती होंगी, तो फिर वो नमाजें किस तरीके से पढ़ती थी? अगर नमाजें कब्र के पास खड़े होकर पढ़ना जायज, जाहिर है कब्र को क़िबला तो कोई भी नहीं बनाता है ना, हाँ उसके साथ खड़े हो जाते, उसमें तो कोई हराम की बात नहीं। तो देखिए, दफन के बाद भी किसी ने भी पैगंबर इस्लाम की कब्र पर मौजूद ना तो छत को तोड़वाया ना इमारत को तोड़वाया, और पैगंबर इस्लाम के जो रोजा है गुम्बद खजरा जिसके ऐन नीचे कब्र रसूल, उसके ऊपर एक वेंटिलेटर, एक रोशनदान। अच्छा, ये गुंबद हजरा तो बाद में बनाया गया, लेकिन पैगंबर इस्लाम की अपनी जो कब्र मुबारक यहाँ पर थी उसकी जो छत है, एक दफा बहुत मशहूर वाक्य और बिल्कुल मुत्तफिक अलैह वाक्य है, तमाम उलमा अहले सुन्नत ने उस वाक्य को अपनी किताब में लिखा है कि बाकायदा जब जिस वक्त मदीने में खुशहाली का दौर आया था, बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, तो हजरत आयशा रोजे रसूल ने एक तरकीब लोगों को बताई थी कि आप ये करें कि ऊपर एक सुराख करवाएं छत में, और यह जो ऊपर का कोई वेंटिलेटर होगा उसको वहां से हटाएं ताकि बरह रात सूरज की किरणें कब्र रसूल के ऊपर पड़े। लोगों ने जब ऐसा किया और सूरज की किरणें कब्र रसूल पर पड़ी, तो उसी वक्त घटा टोप बादल आए और उसी वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई मदीने, और पूरा मदीना जलता हो गया। अगर कब्र रसूल के ऊपर कोई इमारत जायज नहीं थी तो फिर इसको भी आप हटाते, या सहाबा में थे हटाते कि भाई सूरज की बरहरास नीचे कब्र होनी चाहिए और आसमान तले होनी चाहिए, उस पर कोई इमारत नहीं होनी चाहिए, सहाबा में से किसी ने क्यों नहीं तोड़वाई? बल्कि उसी छत के नीचे हजरत अबू बकर और हजरत उमर की वसीयत थी कि हमें दफन किया जाए रसूल अल्लाह के साथ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर जमाने में पैगंबर इस्लाम के रोजे की तामीराती सरगर्मियां भी जारी रही, बनू उमय्या और बनू अब्बास के अदवार भी बाद में आए और उन्होंने कब्रों के ऊपर गुंबद वगैरह भी तामीर करवाए, और उस जमाने से लेकर आज तक इन तमाम रोज़े रसूल पर भी और तमाम जो मस्जिद नबवी है और रोज़े रसूल में तज़ीन व आराइश का काम किया जाता है, उसके लिए माहिरीन की खिदमत भी हासिल की जाती है, और बाकायदा किताबुल अथार में इमाम अबू हनीफा के हवाले थे कि उनके उस्ताद हम्माद ने बताया था कि कुछ लोगों ने बाकायदा पैगंबर इस्लाम और हजरत अबू बकर और उमर की कब्र को देखा है, यानी बराह रास्त अपनी आंखों से देखा था, और वो फरमाते हैं कि कब्र पर वाज़े एक उभार था जिसे छोटा सा गुंबद कह सकते हैं, और बाकायदा किताबों के अंदर बाकायदा वो तमाम इमाम अबू हनीफा थे और उनके उस्ताद हम्माद थे, उन पूरी वो चीजें नकल की गई हैं कि उनकी कब्र किस तरह की थी जिन्होंने अपनी आंखों से कब्र रसूल को देखा। तो बहरहाल ये आप देखें कि खुद इमाम आजम अबू हनीफा जो थे, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के बड़ी आवाम जिनकी तकलीफ आजकल करती है, 150 हिजरी में तो इनकी पैदाइश हुई, उनके उस्ताद थे जिन्होंने वाबाद बयान के उस्ताद हम्माद, तो कम से कम 30 साल तो बड़े थे इमाम अबू हनीफा थे। और देखिए, एक और 60 हिजरी में वाक़ करबला हुआ है, 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा की पैदाइश हुई, वो 30 साल बड़े थे, तो 120 हिजरी का वाक़ा होगा, यानी 60 साल गुजरे होंगे सिर्फ वाक़ करबला। उस वक्त उन्होंने अपनी आंखों से पैगंबर की कब्र पे देखा कि उसके ऊपर वाज़े तौर पर एक उभार था जिसे छोटा सा गुंबद भी कहा जा सकता है, तो ताबईन और तबा ताबईन के अदवार भी मौजूद रहे उस वक्त, उस कब्र पे इतना उभार उन्होंने क्यों बाकी रखा? देखिए, वहाबी हजरात कहते हैं कब्रों को मुनहदिम करके जमीन बोस और बिल्कुल फ्लैट कर देना चाहिए,
तो वो बाहर क्यों बाकी रखा गया? अच्छा, पैगंबर इस्लाम और खुलफाए दोम और खलीफा अव्वल जो थे उनकी कब्रों पर भी इतनी उभरी हुई थी जमीन, तो बाद में किसी भी सहाबी ने या अहले बैत में से किसी ने क्यों उसको बुलडोज नहीं करवाया, क्यों उस पर बेलचे नहीं जलवाए, क्यों उसको जमीन बोस नहीं किया? क्योंकि वहां की क्यों वहां की आखिर छत और दीवारें जो नहीं गिराई? और एक बात को वो और बेस बनाते हैं जो सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम ने कब्रों के ऊपर बैठने से और उसके ऊपर कुछ बनाने से मना किया, कब्रों के ऊपर बैठने से और उस पर कुछ बनाने से मना किए। तो हम कहते हैं कब्रों के ऊपर बैठना तो जाहिर मना कराहियत भी है, लेकिन इसमें कब्रों के अतराफ में बैठने का तस्करा नहीं, ये तो नहीं है रिवायत के अंदर के कब्रों के अतराफ में भी ना बैठो, कब्र के ऊपर बैठना मना। वरना हजरत आयशा 50 साल तक क्यों कब्र रसूल के पास बैठे? अच्छा, मुसलमान हिजरे इस्माइल के पास जो भी आपने देखा था तस्वीर में क्यों बैठते हैं और वहां पर नमाजें अदा करते हैं? और जहां तक रहा कब्र के ऊपर बैठने का, वो तो आज तक हमने कभी किसी पागल को भी कब्र के ऊपर बैठे नहीं देखा, तो उसकी तो बात छोड़ दी। अच्छा, गुंबद और कुब्बे हमेशा अतराफ कब्र में बनाए जाते हैं, कब्र के ऊपर नहीं बनाए जाते। देखिए, कौन सी चीज पैगंबर ने मना की? उस जमाने में भी राइज था, आज भी यहूद और नसारा के अंदर एक चीज राइज है, वो कब्रों के ऊपर इमारत बनाते हैं। ऊपर मसलन इस तरह ये कब्र है नीचे, उसके ऊपर उन्होंने एक चीज बना दी, ये कब्र है उसके ऊपर उन्होंने एक स्ट्रक्चर है, कब्र के ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, ये कब्र है उसके ऊपर एक जो है एक स्ट्रक्चर बना दी, एन कब्र के ऊपर, ये कब्र है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, ये कब्र है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, ये जब से उनके अंदर राइज है, उस जमाने में भी सिलसिला था। तो पैगंबर ने कब्रों के ऊपर कोई इमारत बनाने से मना किया, अतराफ में इमारत बनाने से मना नहीं किया, जैसे कि आप इन तमाम तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। यानी बिल्डिंग ओवर द ग्रेव ये अलग चीज है और बिल्डिंग अराउंड द ग्रेव ये अलग चीज है, ओवर और अराउंड का फर्क। अतराफ कब्र में बिल्डिंग बनाना इसकी मुमानियत नहीं, कब्र के ऊपर बनाने की मुमानियत आई। तो ये दिमाग में चीज रहे। और देखिए, ये जो रौजे हैं और ये जो इमारतें हैं ये इबादत खुदा के लिए होती है, वहां मौजूद मकानात उन इबादत करने वालों के लिए फलाह और सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सुकून से इबादत कर सके। वहां पे कोई मुर्दों को पूजने के लिए नहीं आता है, कोई उनके कब्रों को किबला बनाकर उसकी तरफ रुख करके नमाजें नहीं पढ़ता है, बल्कि रौजों की शान शौकत बढ़ाई जाती है। खुद सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की शान शौकत बढ़ाने के लिए कितने इकदाम किए गए, खुद जो है रौजा रसूल की शान शौकत की हर वक्त पॉलिश हो रही है, हर वक्त नक्श निगार मसलन जो वहां पर बनाए जा रहे हैं, हर वक्त सफाई हो रही है, सोने का काम किया जा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है पुरशिकोर खूबसूरत बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये काम तो सब आप खुद भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कब्रें तो बनी हुई ना, उसकी तजीन और आराइश, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके लिए माहिरीन की खिदमत, ये सब आप खुद भी कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को फकत काफिरों मुशरिक क्यों करार देती है? अच्छा, कोहे सफा जिस पर इबादत का बड़ा सवाब है बाकायदा, उसके ऊपर एन कोहे सफा के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया, एक गुंबद, ये तो रसूल अल्लाह के दौर में नहीं था, रसूल अल्लाह के दौर में नहीं था। और इसकी हिफाजत के लिए कोहे सफा की चार दीवारी एक दीवार बंदी कर दी गई है उसके लिए, और ऊपर ये गुंबद, ये रसूल के जमाने में नहीं था, तो फिर शिर्क क्यों नहीं है गुंबद बनाना? अच्छा, अब इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके कोहे सफा के आगे शीशे की एक वो भी बना दी गई है, एक दीवार थी, एसी भी लगा है, वरना पहले तो जो सफा मरवा के दरमियान सही की जाती थी ये बिल्कुल एक खुला इलाका था, बस एक ऊपर एक साय के लिए एक चीज पड़ी होती थी, उससे पहले तो वो चीज भी नहीं थी, बिल्कुल खुला इलाका था। और मस्जिदुल हराम से तो बिल्कुल बाहर का इलाका आज भी है, मस्जिदुल हराम का पार्ट नहीं है, औरतें अपने मखसूस अयाम के दिनों में भी सफा मरवा वाली जगह पर जा सकती हैं। तो बहरहाल अब तो खैर कई मंजिला सफा मरवा बना दी गई, और ये मरवा पहले जमाने में इस तरह से होती थी, ये ऊपर जो छप्पर था एक चला आ रहा है, इसके साय के अंदर लोग सही कर दिया करते थे। लेकिन क्या है कि लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब तो खैर बहुत ही
कई मंजिला बना दी गई है और एसी लग गए हैं और बहुत ही के दरमियान, वरना दरमियान में आने जाने वालों के लिए अलग रास्ता नहीं हुआ करता था। और एक जमाने में जब तूफान वगैरह आया था तो लोगों ने बाकायदा तैर कर भी सफा मरवा में सही की। अच्छा, अब एक बात और बस में कह के फिर मैं बात को फिलहाल खत्म करता हूँ, फिर अगले वक्फे के बाद फिर हम इसको दोबारा बात को शुरू करेंगे कि खुद कितनी चीजों के खिलाफ वर्जी आप खुद कर रहे हैं, कितनी अहादीस की, तो फकत फिर कब्रों ही की तरफ फकत तवज्जो क्यों है? कितनी ऐसी चीजें, मसलन काबे के अतराफ में बुलंदो बांग इमारतें बनाना, कितनी रिवायतों के अंदर इस बात की मौमानियत आई। आप देखिए वो बीच में काले रंग का जो नुकता नजर आ रहा है ना, वो खाने काबा, हर बिल्डिंग खाने काबा से बड़ी और बुलंद, बीसियों गुना जो है बुलंद मंजिलें जो हैं वो, और खाने काबा गालिबन लगता है कि मक्के की शायद सबसे छोटी इमारत बन के रह गई। ये तिजारती मकासद हैं, बहुत सारे चले हम कहें कि जायरीन की सहूलत के लिए आपने बहुत सारी अगर चीजें फिलफर्ज की हुई हैं, तो ये कि आप भी तो हदीसों की मुखालफत मुस्तकिल कर रहे हैं जिसकी मुमानियत आई है हदीस में, लेकिन फिर वो किस दलील से आप कर रहे हैं? तो ये तमाम चीजें देखिए इस तरह की हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, मैं बस ये बात कह के फिलहाल अपने गुफ्तगू को रोकूंगा कि इंटरनेट के ऊपर देखिए हर चीज का आप पैदावार ना करें। कब्र रसूल कह कह के बहुत सारी चीजें जो है इस तरह की कर दी गई हैं और लोग समझते हैं कि शायद ये कब्र रसूल है, और ये बहुत इंटरनेट पे जाली चीजें फैलाई गई। सैकड़ों साल से किसी शख्स ने भी कब्र रसूल को नहीं देखा, वहां पर मुकीम अफराद की भी बात कर रहा हूं। ये जलालुद्दीन रोमी की कब्र है ओनिया में तुर्की में, और इंटरनेट पे हर जगह तकरीबन ये इस तौर पर मशहूर की गई कि पैगंबर इस्लाम की कब्र नहीं, ऐसा नहीं, जलालुद्दीन रोमी की कब्र है ओनिया तुर्की में। इसके अलावा एक तस्वीर ये भी है, एक ख्याली तस्वीर चले तो ख्याली भी है, लेकिन एक तस्वीर और है जिसे कहा जाता है कि ये बहुत नादिर और नायाब तस्वीर है, ये कब्र रसूल की तस्वीर है, ये बिल्कुल जाली तस्वीर, बिल्कुल जाली। तो ये इस किस्म की बातें करके लोग जो है गुमराह करते हैं, तो उसकी तरफ आप होशियार हैं कि किसी ने भी कब्र रसूल को देखा नहीं। और सिर्फ यहां की हद तक बात नहीं है, बल्कि मैं वो मिसाल एक मिसाल और दे देता हूँ, उसके बाद बस बात खत्म करेंगे। फिलहाल इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र है, बाकायदा जरी बनी हुई है बगदाद में। ये इमाम शाफी की कब्र है काहिरा में, कायरो मिस्र में, ये उनकी कब्र, इसके ऊपर पूरी इमारत भी बनी हुई है, गुंबद भी बने हुए हैं, कुब्बे भी बने हुए हैं, पुख्ता ऊंची कब्र भी। इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र है शाम में, इसके ऊपर भी देखें इमारत कुब्बा सब तमाम चीजें बनी हुई हैं। ये इमाम बुखारी की कब्र है समरकंद में उज़्बेकिस्तान, और ये उनकी और सिर्फ यहां की हद तक बात नहीं है, बल्कि मैं वो मिसाल एक मिसाल और दे देता हूँ, उसके बाद बस बात खत्म करेंगे। फिलहाल इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र है, बाकायदा जरी बनी हुई है बगदाद में। ये इमाम शाफी की कब्र है काहिरा में, कायरो मिस्र में, ये उनकी कब्र, इसके ऊपर पूरी इमारत भी बनी हुई है, गुंबद भी बने हुए हैं, कुब्बे भी बने हुए हैं, पुख्ता ऊंची कब्र भी। इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र है शाम, इसके ऊपर भी देखें इमारत कुब्बा सब तमाम चीजें बनी हुई हैं। ये इमाम बुखारी की कब्र है समरकंद में उज़्बेकिस्तान, और ये उनकी बराहरात ऊपर तो देखें कुब्बा और वो बिल्डिंग बनी हुई थी इतनी बड़ी, और ये उनकी कब्र है कितनी ऊंची और बड़ी। इब्ने तैमिया की कब्र है, जो कि इस वक्त वहाबियत के सारे जो अकायद हैं वहाबियों के वो इब्ने तैमिया से लिए हुए उन्होंने। ये जुनैद बगदादी की कब्र है, इसके ऊपर ही इमारत कुब्बा इतनी बड़ी जरिए सब कुछ बना हुआ है, इनको क्यों नहीं आप ढाते और खत्म करते हैं? आपकी तो तमाम रियासतें इसके अंदर आप लोगों की वो है असर रसूख है, इन तमाम जगहों की भी खत्म करवाइए और ढाइए, और वही जन्नतुल बकी वाला हशर खुदा ना खास्ता इन तमाम कबूर का भी जो आपको करना चाहिए। इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह की भी कबूर है, तो ये तमाम चीजें ऐसे इसी तरह से मसलन ये सारी जन्नतुल बकी के अंदर बात थी, जन्नतुल माला का जो कब्रस्तान है मक्के में, इसके ऊपर भी पूरे कुंबे और गुंबद जो है वो बने हुए, कुंबे और गुंबद। और उस वक्त तो ये डिस्ट्रक्शन से पहले हजरत खदीजा ताहिरा
की जो कब्र मुबारक थी उसके ऊपर कुब्बा और गुम्बद जो है वो बना हुआ था। जन्नतुल माला के कब्रस्तान ऊपर से ना सिर्फ के वो गुम्बद भी वहां से तोड़े गए बल्कि उसके बाद फिर इस तरह की कब्र हो गई। और सर इस पे भी कुछ मोमिनीन वहां पर जाते थे, उन्होंने हाथ से निशान को बाकी रखने के लिए वहां पर नाम वगैरह भी लिख दिया था उन्होंने। लेकिन अब तो वहां जाना भी तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया। ये हजरत खदीजा ताहिरा की कब्र इस तरह से कितने बुरे हाल में जो है वो वहां पर रखी गई। फिर उसके बाद थोड़ी सी बहुत सफाई करवा के अब और निशान को कम से कम करते चले जा रहे। पहले तो आपने वो देखा, उसके बाद फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनके कबूर के ऊपर भी इसी तरह से गुंबद और कुब्बे बने हुए थे वहां के डिमोलिशन से पहले, जब इनेदाम से पहले। लेकिन उसके बाद फिर जब वो ऊपर से हट गया तो अब ये उनकी खबरें। और उसके बाद और फ्लैट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, उनके साइज भी कम होते जा रहे हैं। यानी बहुत आहिस्ता रवि के साथ वहां पर ये वाला काम। हर दफा जब हज पे लोग जाते हैं तो एक पता चलता है कि मस्जिद इतनी ज्यारतें और खत्म हो गई। और अब ये बकरी कब्रिस्तान है, जो ग्रीन रंग की जो जालियां या जो खिड़कियां जो आपको नजर आ रही हैं, इनके पीछे कबूर हैं। साल में कोई एक दफा शायद यहाँ का कोई गेट खुलता है, वो मुश्किल ईद वगैरह के मौके पर। और वहां पे भी जो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर फिर मजीद रुकावटें कि अब उनकी आंखों से उनकी कबूरें जो है वो मुतहर जो है वो भी नहीं देखी जा सकती। यानी आप वो बिल्कुल उनकी नजरों से लोगों की छुपा दी गई। वरना ज्यारत कबूर के लिए जब लोग वहां पर आए हैं और वहां पर जा रहे हैं तो कम से कम कोई आंखों से तो कोई चीज नजर आनी चाहिए। जन्नतुल माला में वो भी बहुत पॉसिबल नहीं रहा। इसी तरह से हजरत हमजा का बाकायदा रोजा और मकबरा वहां पर बना हुआ था मदीने में, लेकिन जो है उसको भी ढा दिया गया। और अब बिल्कुल एक फ्लैट कब्र है। और अब हजरत हमजा के इसके अलावा कोई और वैसा निशान और यहाँ पे कोई मुस्तकलन, बल्कि लोग जो यहाँ पर खड़े होते हैं लोगों को यही बात बता रहे होते हैं, बजाय कि हजरत हमजा का जिक्र करने के उनके कातिल का जिक्र हो रहा होता है, वहशी का, वहशी जिसने हजरत हमजा को कत्ल किया था और उनका जिस्म के जो टुकड़े किए थे और जितनी उनकी लाशें की बेहरमती की थी, और बाद में जान के खौफ से भी उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन वो जो यहाँ पे अपराध खड़े होते हैं, लोगों को ये कहानी सुना रहे होते हैं कि हमजा इस तरह से शहीद हुए, बाद में वहशी ने इस्लाम कबूल किया और वहशी के इस्लाम कबूल करने की मजा में फिर पुरानी आयतें नाजिल हुई। तो बजाय कि हजरत हमजा का जिक्र करने के उनके कातिल का तस्करा यहाँ पर हो रहा होता है। और अब बहुत सारी निगाहें पैगंबर इस्लाम जिस जगह पर पैदा हुए थे, ये जो सामने लाइब्रेरी एक आपकी है, ये जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो वो नजर आ रही है, ये पैगंबर इस्लाम जिस जगह पर पैदा हुए ये पैगंबर इस्लाम की विलादत का है। और बहुत ज्यादा लोग धड़कते हुए दिल और एक खतरा और एक वो महसूस हो रहे जिस एतबार से इस इमारत को इसी तरह से बोसीदा हाल में रखा गया है। और अक्सर अफराद को तो हमने खुद वहां पर देखा है बाकायदा इसके अतराफ में पेशाब वगैरह करते हुए, यानी कोई रोका वगैरह नहीं जाता है। और जो हाल इसका वहां पर रवायत के साथ रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि इसको भी डिमोलिश कर दिया जाए। बहरहाल उसको लाइब्रेरी बना दिया गया और लाइब्रेरी कभी खुलती भी अब हम नहीं देखते और वो मुस्तकिलन बंद रहती है। उसके करीब जाएंगे तो उसको हाथ वाथ लगाने को भी अक्सर अगर वो देख लें तो उसको भी जो है वो मना करते हैं। और खुद उनकी अपने कबूर देख लें, खुद आप यूएई वगैरह के अंदर देखें कि जैद बिन सुल्तान अन्नाहियान जो उनकी बड़ी बड़ी खबरें और सब कुछ बनी हुई हैं, लोग उनके पास आते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये अब आपके तमाम सामने हमने ये तमाम तस्वीरें आ गई, आपको पता चल गया इन सब पे गुंबद थे, कुब्बे थे, और उसके बाद इनको उठाए गए। मुसलमानों के बाद बताने की जरूरत है कि हमेशा से ये चीजें मौजूद थी, ये नहीं कि ये पहले से इसी तरह से चली आ रही। इस सिलसिले में जिम्मेदारी का तस्करा हम आगे चलकर करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट का हम वक्फा देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। शायद जो है ना ये शाहिदा की जमात जिसके मायने अलामत और निशानी की होती है। यही वजह है कि सफा और मरवा को सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में शायर खुदा कहा गया, इन सफा व मरवा था मिन शायर अल्लाह। और इसके अलावा सूरह हज में वो ऊंट जो कुर्बानी के लिए मिना जाते हैं
उनको भी शायर खुदा कहा गया। वन बुदना जालनाह लकुम मिन शायर अल्लाह, जो कुर्बानी के लिए जो जानवर, ये जो ऊंट वगैरह ले जाए जाते हैं, उसको भी शायर खुदा कहा गया। इसलिए की चीजें दीन हनीफ और आईने इब्राहिम की अलामत और निशानियां। इसी तरह से मुज़दलिफा को मशारुल हराम इसी वजह से कहा जाता है कि ये दीन खुदा की निशानियों में से एक है। मुज़दलिफा का मैदान, वहां वकूफ करके खुदा के इताअत गुजार होने की अलामत शुमार किया गया था। और तमाम मनासिक के हज को भी शायरुल्लाह कहा गया। तो क्या अंबिया, आइम्मा या औलिया, उनकी जो ज़वाते मुकद्दसा हैं, उनकी कबूर को देखकर किसी को दीन खुदा की अजमत का एहसास नहीं होता? और क्या उनकी इताअत का कोई जज्बा उनकी कबूर को देखकर पैदा नहीं होता? क्या ये सब शायर नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और ऊंट शायर खुदा हैं? यानी माजल्ला जमादात जैसे पहाड़, हैवानात जैसे ऊंट, ये तो शायर खुदा हूं, लेकिन जिनके सदके में कायनात बनी हो, जिनसे लोगों ने दीन लिया हो, उनके अजसाम और कबूर की जो निशानियां हैं, वो शायर खुदा ना हो? इस नजरिए का तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हजरत आदम से लेकर आज तक सब लोग खाओ मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर उसमें फितरत सलीम पाई जाती है, इसका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं। तमाम अफराद सबकी फितरत के अंदर ये चीज है कि अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, वहां पर पौधे लगाते हैं, क्यारियां बनाते हैं, उसकी सजावट का एहतमाम करते हैं, उसकी सफाई का एहतमाम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं।